सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आपने अपने फोन के अंदर एक फोल्डर तो देखा ही होगा, एंड्रॉयड। तो इस फोल्डर का बेसिकली काम क्या है? अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो तब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट नहीं करोगे तो तब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बन रही है। पूरी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या काम है इस फोल्डर का आपके फ़ोन के अंदर, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तब आपको क्या प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, अगर आप अपना SD कार्ड या आप अपनी इंटरनल स्टोरेज को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देता होगा, एंड्रॉयड फोल्डर। दोस्तों, इसका बेसिकली काम क्या है? तो इस फोल्डर के अंदर आपको आपने आज तक जितनी भी ऐप डाउनलोड की हैं, चाहे वो आपने अनइंस्टॉल कर दी चाहे वो डिलीट कर दी, लेकिन उनका सभी डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बेसिकली आपको यहाँ पर जंक फाइलें, टेम्परेरी फाइलें, सही फाइलें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक वीडियो यहाँ पर ऑफलाइन सेव किया हुआ है, यह ना वीडियो यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। अब आपने भी काफ़ी वीडियो यहाँ पर ऐसे ही सेव की होंगी, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब सिंपली अगर मैं अपने उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर ये रहा फोल्डर, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना SD कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एंड्रॉयड। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डाटा पर। अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा यूट्यूब का फोल्डर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको नीचे जाना है और आपको भी यूट्यूब का फोल्डर देख लेना है, सही फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जितनी आपकी ऐप होती हैं उन सभी ऐप के फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये ना यूट्यूब का फोल्डर, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपको फाइल पर क्लिक करना है, फिर आपको ऑफलाइन, फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब बेसिकली आपने जो वहाँ पर फाइल डाउनलोड की है यहाँ पर उसका कॉपी है। अगर आप इसको यहाँ पर डिलीट कर दोगे, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाई दूँ, यहाँ पर मैं इन तीनों फाइलों को डिलीट कर दूँ, यहाँ पर ये डिलीट हो चुके हैं। अब बेसिकली आप सीधे अगर बैक आओगे और फिर आप अपनी उस वीडियो को प्ले करोगे, तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आ चुकी है आपकी वीडियो। तो अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि मुझे ये फाइल दोबारा डाउनलोड करनी होगी। तो फोल्डर का बेसिकली काम यही है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके फ़ोन के अंदर फाइल होते हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई गेम डाउनलोड कर रखा है और आपने उसे कुछ पार्ट ऑफलाइन सेव किए हैं, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो आपके वो सभी पार्ट डिलीट हो जाएंगे। आपने ऑफलाइन कुछ भी सेव किया है, मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाउनलोड की हुई है कहीं से भी या सेट से कोई फाइल ली हुई है, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो आपको वो फाइलें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी के अंदर आपकी वो सभी फाइलें होती हैं जो आपने ऑफलाइन सेव की हुई हैं। अगर दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो इंटरनल स्टोरेज बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपकी कुछ MB बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो तुरंत ही अगर आप एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑन ऑफ कर लोगे तो आपकी ये दोबारा फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस फोल्डर को अगर आपने डिलीट कर दिया, अगर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड हैं और आपने इस फोल्डर को डिलीट कर दिया तो आपकी वो सभी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो आपको ध्यान देना है, इस फोल्डर को डिलीट नहीं करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो आपका फ़ोन क्रैश हो जाएगा या आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑफलाइन फाइलें सेव होती हैं। तो मुझे शायद लगता है कि आप समझ गए हो कि इस फोल्डर का बेसिकली काम क्या है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, फिर मिलूंगा।